जी हाँ दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनील कुमार। देखिए, अगर मेरा पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां जा करके देख सकते हैं। देखिए, मैं एक्सरसाइज 8.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि टेन 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। टेन 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए, पहले फॉर्मूला से आइए आप। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। देखिए, अब क्या करेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, थीटा के जगह पर देखिए 2a लिखा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ भी थीटा की जगह पर कितना है, 2a है। अब क्या करेंगे, इतना के जगह पर हम इतना लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए, कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए, अभी कॉट से कॉट कैंसिल होगा, लेकिन देखिए किस तरह से, जैसे साइन x बराबर साइन y, इसी प्रकार x बराबर y। देखिए, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ क्या है, माइनस में है, इसको इधर लाएंगे प्लस में होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में, इधर माइनस में है। जब साइड चेंज होगा तो क्या होगा, चिन्ह भी चेंज होगा। अब देखिए, 18 डिग्री इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री प्लस, इसको इधर ला रहे हैं प्लस 18 डिग्री। अब a को सेम लिख दीजिए जिस तरह से है। अब इधर क्या है, 2a माइनस में, उधर जा क्या होगा, प्लस में होगा 2a। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। अब दोनों को जोड़िए क्या होगा, a का 2 जोड़ेंगे 3, 3a हो गया। अब देखिए, दोनों को जोड़ करके क्या होगा, 108, 90 और प्लस 18, 108। अब देखिए, इधर गुना में इधर क्या होगा, भाग में होगा। अब देखिए, a बराबर 108 बट्टा हम क्या लिखेंगे, 3। क्या करेंगे, 108 में हम 3 से भाग देंगे। जब 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 3 एक होगा, ये 18। देखिए, 3 6 18। अब इसी तरह से इसका काट कर क्या होगा, 36 डिग्री। इस तरह से इसका आंसर पूरा हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब देखिए, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। tan a बराबर cot b। अब देखिए फॉर्मूला से, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे, कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। अब देखिए, इतना के जगह पर हम क्या करेंगे, इतना लिखेंगे, कॉट 90 माइनस ए बराबर कॉट बी। अब देखिए, कॉट से कॉट कैंसिल होगा, लेकिन किस तरह से होगा, सो देखिए, साइन
साइन एक्स बराबर साइन वाई, इसी प्रकार साइन एक्स डायरेक्ट साइन एक्स बराबर साइन वाई, तो क्या उसी प्रकार एक्स बराबर क्या करेंगे वाई। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए बराबर बी। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, अब क्या है ये प्लस में, इसको ये माइनस में उसको उधर ले जाएंगे क्या होगा प्लस में। अब ए और प्लस क्या करेंगे बी। अब देखिए यहाँ भी इस तरह से आंसर पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको चेंज करना है जिस तरह से यहाँ दिया है उस तरह से अगर पूरा करना है तो इसको क्या कीजिए, यहाँ तो प्लस में है पूरा, जब लाएंगे इधर सेट में पूरा तो क्या होगा माइनस ए प्लस बी, इधर क्या है इधर प्लस में उधर ले जाए क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अब माइनस क्या लिखेंगे बराबर करके माइनस 90, अब ई से ई क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या कर दिए कैंसिल कर दिए, ए प्लस क्या होगा बी बराबर 90 डिग्री, यही ना दिखाना था। अब देखिए इसी तरह से क्या हुआ आंसर प्रूव्ड हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चलते हैं, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब देखिए फॉर्मूला से sec 90 माइनस ए बराबर cosec, cosec 90 माइनस ए बराबर sec। इसी प्रकार देखिए अब यहाँ ए के जगह पर क्या लिखेंगे cosec, cosec 90 माइनस थोड़े बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए इसको हम मिटा लेते हैं फार्मूला को। अब देखिए जिस इस cosec से cosec क्या होगा कैंसिल होगा, लेकिन किस तरह से होगा देखिए, sin x बराबर sin y, इसी प्रकार x बराबर y, इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब इसको देखिए मिटा लेते हैं, नब्बे देखिए इधर माइनस में है इधर क्या होगा प्लस में 20। अब देखिए बराबर a, अब इधर क्या है 4a माइनस में, उधर जा क्या होगा प्लस में होगा। अब देखिए दोनों को जोड़कर क्या होगा 90 प्लस 20 110। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एक तो है, दोनों को जोड़ के क्या होगा 4 1 5। अब देखिए इधर क्या है गुना में, इधर क्या होगा भाग में होगा, इसीलिए ए बराबर 110 बट्टा 5। अब देखिए 110 में 5 से क्या करेंगे भाग देंगे, 5 2 10 हटा के 1 1 0 यहाँ से उतारे हैं, 5 2 10 दोनों कट के क्या होगा 22। इसी तरह से इसका आंसर पूरा हुआ। आप अगर इसी तरह से गणित सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।